अभी मैं इसको देखो आपको दिखाता हूँ, अभी मैं इसको पूरा ऐसे ऊपर नीचे सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ओके एज पर माई रिक्वायरमेंट। यह है मेरा मोटो व्लॉगिंग का एक नया सेटअप का कुछ इंस्ट्रूमेंट जो मुझको कल डिलीवर हुआ था फ्लिपकार्ट से द्वारा, और इसका प्राइस पड़ा 700 रुपीज़। तो चलिए पहले इसको खोलते हैं और क्या है ये एक्सटेंशन वो भी आपको दिखाते हैं। भाई मोटो व्लॉगिंग का तो हर चीज़ गोप्रो का हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, आपको दिखाता हूँ कितना। ये अभी अभी खोला हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, मैंने नहीं खोला था, इसको फेंक दो। एंड नाउ ये है पैकेट, इस छोटे से पैकेट में फ्लिपकार्ट ने मुझको भेजा, ये भेजा मुझको। तो देखो कंपनी देखो जे जे सी का कंपनी का ये हेलमेट माउंट का कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है। एक है ये जे किसो क्या बोला जाता क्लिप, नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, ये एक जो होल्डर, ओके नंबर 3 ये एक छोटा सा स्क्रू, इसको सामने रखता हूँ, ये एक एमसील टाइप ऑफ नो जस्ट लाइक अ गम, इसको यहाँ पर रखता हूँ, ये दूसरा तीसरा क्लिप इसको भी यहाँ पर रखता हूँ, और ये है एक दूसरा एक नट, ओके फाइन। तो और क्या है ये वाला एक क्लिप, और क्या है और एक क्लिप होना चाहिए, यस एक और क्लिप। तो ये टोटल चीज़ और क्या है, क्या चीज़ और भी है, ओके यस आ गया ये और के कैंसिल, और ये एक और क्या बोल इसको स्क्रू। तो भैया ये टोटल मेरा जो सेटअप इसका पड़ा प्राइस 700 रुपीज़। इसका पर्पज़ क्या है आपको वो भी मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा बोल देता हूँ। तो एग्जैक्टली मैं जस्ट मेरा गोप्रो को मैं हेलमेट पे माउंट करता हूँ, तो गोप्रो का क्या है ना, गोप्रो का एक जो इन जो उलन जी का जो मेरा केस लगाता हूँ उसका जो अप एंड डाउन का सिस्टम है ज़्यादा नहीं है, तो फ्रेम बढ़िया आता है, उतना बढ़िया नहीं आता है जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये एक्सटेंशन लगाने से फ्रेम बिल्कुल बदल जाएगा, एक बहुत ही वाइट फ्रेम तो आएगा, और थोड़ा सा मैं अप एंड डाउन कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस। तो इसलिए मैं टोटली ये प्लास्टिक के ये सब टुकड़े पुर्जे मैं खरीदा हूँ, ये देखो ये सब चीज़ है। बट इसका प्राइस 700 रुपये, ये बहुत ही ज़्यादा है भाई। इसका कितना प्राइस हो सकता, 200 रुपये 300 रुपये मैक्स टू मैक्स। बट यूट्यूब फ्लिपकार्ट में 300 रुपीज़ का भी उलन यंत्रालय का एक दूसरा कंपनी का था, बट मैंने थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया भाई। देखो भाई एक प्लास्टिक का क्वालिटी मैटर होता है, मैं यहाँ पर हेलमेट में माउंट करके जा रहा हूँ और उसमें टूट कर गिर गया तो भाई सोच रहे हो जैसे 300 रुपये बचाने के चक्कर में मेरा 30,000 का गोप्रो गया। तो भाई जो बेस्ट वाला था अकॉर्डिंग टू द रिव्यू फ्लिपकार्ट वही मैंने खरीदा है। तो चलो इसको पहले इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद कैसे गोप्रो दिखता है, क्या हेलमेट कैसा दिखता है वो भी आपको दिखाता है। यह है मेरा गोप्रो का हेलमेट माउंट, टेस्ला का ये टेलीसिंग का समथिंग ये है हेलमेट माउंट। इसमें पहले क्या होता था, मैं डायरेक्टली गोप्रो को इसके साथ फिक्स कर देता था जे माउंट से, पर अभी क्या हुआ जे माउंट के साथ मैंने खरीद लिया है जो मैंने आपको दिखाया, दिस इज़ द चेन माउंट। तो चेन माउंट लगाने से क्या हो जाता है, एक्सटेंशन इसको मैं अच्छी तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं ये मूवमेंट कर सकता हूँ। पहले क्या होता था, फिक्स रहता था, ज़्यादा ऊंचा डिलीवरी नहीं होता था, वाइट फ्रेम मुझको नहीं मिलता था, मैं इसको ऊपर नीचे ऐसा नहीं कर पाता था, तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत था। हेलमेट अगर थोड़ा सा गड्ढे में हेलमेट नीचे हो जाता तो हेलमेट जस्ट गोप्रो का जो फेस ये नीचे हो जाता था, उसको ज़्यादा ऊपर नहीं उठा सकता था, राइट। सो इसलिए ये चेन माउंट जो मैंने खरीदा है आपको दिखाया 700 रुपये में, इससे ये वाला प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। बट ये तो अभी थियोरी है, अभी प्रैक्टिकली देख रहे हैं। चलिए पहले बाहर जाते हैं, बाहर देखकर इसको पहले लगा देते हैं, इसको कैसे लगाना है। यस लग गया तो भाई ये लग चुका है मेरा टोटल, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, लुक सो कूल। इसको मैं ऐसे ऊपर ऐसे आसमान की तरफ मूव कर सकता हूँ, इसको मैं नीचे मूव कर सकता हूँ, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। तो इसका प्रैक्टिकली फ्रेम कैसा होता है, चलिए बाहर चलते हैं, बाहर जाकर देखते हैं। तो भैया ये है कैमरा का एग्जैक्टली फ्रेम,
जो लोग मुझको पहले से फॉलो कर रहे हैं आपको तो पता है पहले का जो फ्रेम होता है थोड़ा सा अलग, अभी फ्रेम हो रहा है पूरा अलग। ये बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है एंड लुकिंग क्वाइट गुड मैन। चलो आपको प्रैक्टिकली दिखाते हो पहले का फ्रेम क्या था और अभी का फ्रेम क्या है। देखो पहले जब मैं शिट कितना बड़ा ट्रक, पहले जब फ्रेम इतना तक आता था, इतना था, कितना ऊपर तक नहीं जाता था, अभी इट इज़ मच मोर वाइड, इट इज़ मच मोर हायर। अभी मैं इसको देखो आपको दिखाता हूँ, अभी मैं इसको पूरा ऐसे ऊपर नीचे सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ओके एज पर माई रिक्वायरमेंट। बट पहले मैं ये सब नहीं कर पाता था। तो ये है ये चेन माउंट का फैसिलिटी, कमाल का है ना। दाम थोड़ा सा कॉस्टली है बट वेरी वेरी यूजफुल। सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छा सा माहौल है, विंटर का मॉर्निंग। देखो चारों तरफ चहल पहल, बंगाल में अभी इलेक्शन आने वाला है, दीज आर द इलेक्शन कैंपेन भैया फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो सब कुछ मिलाकर एक बहुत ही शानदार दिन। भाई घोपड़ों का एक चीज़ बहुत ही यू नो ये क्या हुआ, घोपड़ों का एक चीज़ बहुत ही बुरा है, हर एक्सेसरीज का दाम बहुत एक्सपेंसिव है।